15 अगस्त को जहां भारत में जोरों शोरों से आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन लंदन में रहने वाले भारतीय लोग भी पूरी तैयारी के साथ लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर आजादी का जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी वहां मौजूद खालिस्तानी और पाकिस्तान समर्थक तिरंगे का अपमान करने लगे। ये सब होता हुआ देखकर भारतीय पत्रकार पूनम जोशी से रहा नहीं गया और पूनम उन लोगों से भिड़ गई जो तिरंगे को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूनम ने उनसे तिरंगा छीन लिया। पूनम जोशी की बहादुरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं। पूनम जोशी ANI न्यूज एजेंसी की पत्रकार है। ANI ने खुद ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पत्रकार पूनम जोशी लंदन स्थित हाई कमीशन के बाहर स्वतंत्रता दिवस समारोह की कवरेज करने के लिए गई थी। उस समय वहां पाकिस्तान और खालिस्तान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। तिरंगे का अपमान होता हुआ देख पूनम जोशी से रुका नहीं गया और उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। पूनम जोशी की बहादुरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और पूनम जोशी खुद ट्रेंड करने लगी। लोग पूनम जोशी को सलाम कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि आतंकी पर भारी पड़ी नारी। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ऐसे भारतीय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। सच में ऐसी नारी और ऐसे पत्रकार भारत के लिए काफी जरूरी है।